हेलो एवरीवन, आज जो वीडियो बना रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं इसका रिजल्ट कब आना है और उसका इंपैक्ट मार्केट पे क्या रहने वाला है, उसके बेस पे हम क्या अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं बाइंग के लिए और ऑप्शन सेलिंग के लिए, तो उसी पे फोकस करेंगे आज की वीडियो का। और सबसे इंपॉर्टेंट कि प्रीवियस इलेक्शन का जब रिजल्ट आया था उस दिन मार्केट में क्या हुआ था, वो भी मैं आपको टाइम के टाइम बताता रहूंगा कि पूरे दिन में मार्केट कैसा फ्लक्चुएट करता रहा, ताकि थोड़ा आइडिया हमें रहे कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है रिजल्ट वाले दिन। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हमें देखना है कि रिजल्ट्स कब आ रहे हैं। रिजल्ट्स आ रहे हैं 4th of June 2024 को, मतलब सुबह से ही रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, पूरा दिन में क्लियर हो जाएगा कि गवर्नमेंट्स रिपीट हो रही है या नहीं। तो उस दिन मार्केट कैसा रिएक्ट करेगी, अगर फेवर में, अगर अगेंस्ट में। सबसे पहले इसके लिए हमें लास्ट टाइम जब 2019 में रिजल्ट्स आए थे 23rd ऑफ मई को, उस दिन पूरा दिन मार्केट कैसा रहा उसका ओवरव्यू मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले देखो 8:45 के आसपास सबसे पहले ग्लोबल मार्केट, ये जो मैं वेबसाइट यूज कर रहा हूं ना, ये indiaexpress.com है, आप लोग भी देख सकते हैं वहां पे लाइव अभी भी ये डाटा है। तो इसमें जब आप देखेंगे विद द टाइम उन्होंने अपडेट करा है कि कैसे मार्केट की ओपनिंग थी और कैसे मार्केट की क्लोजिंग आई। अब यहां पे देखो 9:15 पे जब मार्केट खुला तो उस टाइम पे मार्केट का क्या रिएक्शन था, यहां पे देखेंगे आप तो निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 31,140 पे था और 600 प्लस पॉइंट्स का गैप अप था, मतलब ऑलरेडी ही मार्केट 600 पॉइंट ऊपर निकल चुका था और पूरा दिन तो रिजल्ट आने थे। इसका मतलब क्या है कि प्री डिफाइंड, या ये बोल सकते हैं कि पहले से ही आइडिया हो गया था कि मार्केट में जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो किस फेवर में आने वाले हैं, वो रिपीट गवर्नमेंट कर रही है और जैसा एक्सपेक्टेड मार्केट में था या ज्यादातर लोगों को था, तो उसी तरह से मार्केट ने रिएक्ट करा और रिजल्ट भी वैसे ही आए, तो ऑलरेडी गैप अप 600 पॉइंट का मिल गया। उसके बाद देखो विद द टाइम कि 9:30 के बाद जैसे जैसे इलेक्शन बढ़ते रहे पूरा दिन, आपको दिखेगा ये वाला चार्ट देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है, इसमें निफ्टी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और काफी सारे और भी आपको स्टॉक्स दिखेंगे कि खुले तो गैप अप बट उसके बाद क्या हो गए, साइडवेज हो गए। अब जब साइडवेज हो गए तो हमें क्या लगता है कि मार्केट सस्टेन करेगा और ऊपर जाएगा, बट अब मैं अगर आपको बीच में से एक टाइम फ्रेम दिखाता हूं आपको बीच के टाइम का, जो कि था लगभग कितने बजे का, 2 बजे का। अब 2 बजे के आसपास मार्केट क्या कर रहा था, वहीं पे सस्टेन कर रहा था। अब देखो 2 बजे मार्केट क्या कर रहा था कि मार्केट खुला फिर वहीं पे घूम के थोड़ा थोड़ा ऊपर जाते जा रहा था, बट एक चीज आप देखना कि क्लोजिंग जो मार्केट की हुई है लगभग 3:30 बजे। अब यहां पे देखो मोदी जी का ट्वीट भी आ गया था, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास विजयी भारत, ये इनका ट्वीट भी आ गया था, तो इसका मतलब था कि क्लियर हो गई है गवर्नमेंट। अब जो यहां पे क्लोजिंग दिखाई है, ये देखो ये क्या लिखा है, अमंग द, जो भी यहां पे लिखा है आप पढ़िएगा, अमंग द सेक्टोरियल इंडाइसेस ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द निफ्टी FMCG इंडेक्स एंड द निफ्टी बैंक इंडेक्स वर अमंग द बिगेस्ट लूजर ऑफ द डे। अब ये चीज आपको बड़े ध्यान से समझने वाली बात है, पहले मार्केट गैप अप खुला 600 पॉइंट से ज्यादा बैंक निफ्टी, और डे एंड तक मार्केट निफ्टी बैंक में -117 हो गया। अब गवर्नमेंट्स सेम थी, रिपीट कर रही थी, सबको ऐसा लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगा, बट मार्केट क्या करा, गैप अप खुलने के बाद बहुत बड़ा पुल बैक। अब ये जो चीज है ये ऑप्शन सेलर्स को होल्ड करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं बोलता हूं खासकर जो इवेंट्स के दिन होते हैं, कोई इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है या फिर आरबीआई की पॉलिसी है या फिर कुछ भी है, मतलब बड़ा इवेंट जो है बजट का डे है, तो उस दिन ऑप्शन सेलर्स को दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि डायरेक्शनल मार्केट होगा या नहीं होगा, किस डायरेक्शन में होगा किस में नहीं होगा, ये क्लियर करना बहुत मुश्किल है, और जो आपको उसके अगेंस्ट में प्रीमियम मिलने वाला है भले ही वो थोड़ा सा हाई जरूर होता है बट रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, इसीलिए ऑप्शन सेलिंग करना है तो भूल जाइए कि रिजल्ट्स वाले डे करना है, उसके बाद आप 2-3-4 दिन लगातार करो, वहां पे डायरेक्शन बन जाती है कि अगर फेवर में आ गया जो गवर्नमेंट्स या जो चाहते हैं लोग
या इन्वेस्टर वही गवर्नमेंट आ जाए तो ऑब्वियसली उस दिन तो वॉलेटाइल रहेगा, बट सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे फिर वो एक कंटिन्यूटी पकड़ लेगा, वहीं पे अगर अगेंस्ट में होगा तो वहां से गिरना शुरू करेगा। तो इसलिए उस टाइम पे कूदना सबसे बड़ी बेवकूफी, मैं तो समझता हूं बेवकूफी, बट आप लोगों का पैसा आप डिसाइड करिएगा। मेरा अगर सजेशन रहेगा तो ऑप्शन सेलर्स तो बिल्कुल दूर रहा कीजिए इवेंट्स वाले दिन। अब ऑप्शन बायर्स की बात करते हैं, ऑब्वियसली बायर्स को एज है, बट एज में हाई प्रीमियम इंक्लूड होते हैं, मतलब प्राइस ऑलरेडी इतना हाई हो चुका होता है, अगर आपके अगेंस्ट में एक दो तीन कैंडल भी बन गए तो आप फंस जाएंगे, फिर वो वहां पे उस प्राइस में वापस नहीं आएगा। जिस तरह से अगर आप यहां पे देखेंगे 30,400 पे मार्केट ने क्लोज करा है 31,100 से ऑलमोस्ट। अब सबको क्या लग रहा होगा कि 31,000 का सपोर्ट है, वहां से वापस आएगा, नहीं आया, फिर धीरे धीरे मार्केट गिरता गया और वहां जो प्रीमियम उस टाइम पे होगा 31,000 पे वो सीधे ही 60-70% डिक्लाइन। तो इसलिए बाइंग कर सकते हैं, या तो आप क्या कीजिए स्टॉप लॉस का एहतियात करिए, स्टॉप लॉस को कैलकुलेट करिए, और जितना आप यूजुअली ट्रेड करते हैं, आप 100 क्वांटिटी में करते हैं, 500 करते हैं, 10,000 करते हैं, 1,000 करते हैं, उसको 50% कर लीजिए ताकि आपका स्टॉप लॉस बढ़ जाए। अगर आप 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं उसको 40 कर लीजिए, 40 का लेते हैं उसको 80 कर लीजिए, बट क्वांटिटी हाफ कर लीजिए ताकि आपका ओवरऑल लॉस अगर होगा तो वो उतना ही रहे, बट आपके फेवर में अगर मार्केट जाएगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट 50% क्वांटिटी भी देगा, बट अगर अगेंस्ट में गया तो आपके लॉसेस के चांसेस बड़े नहीं है, क्योंकि इवेंट्स ऐसे होते हैं वो कभी भी बहुत रेयरली होते हैं कि डायरेक्शनल होते हैं, एकदम से डायरेक्शन पकड़ लेते हैं। पहले समझने में, सबको माइंडसेट बनाने में कि सही है डिसीजन गलत है, एक दो दिन लग जाते हैं, उसके बाद डायरेक्शनल मूव आते हैं। तो इसलिए अगर रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव से मैं बताऊं तो ऑप्शन सेलर्स बिल्कुल दूर रहें, स्पेशली उसी दिन, उससे पहले तक ऑप्शन सेलिंग बढ़िया आइडिया है, मार्केट बिल्कुल साइडवेज सा रहने वाला है, 500 पॉइंट ऊपर, 1000 पॉइंट नीचे, फिर 500 पॉइंट ऊपर, तो ऐसे मार्केट करने वाला है स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर। तो आप उससे पहले राइटिंग कर सकते हैं, उस दिन छोड़ लीजिएगा, उसके बाद फिर से आपको मौके मिलते रहेंगे। बाइंग में उससे पहले दूर रहिएगा, उस दिन बाइंग ट्राई कर सकते हैं 50% क्वांटिटी के साथ और स्टॉप लॉस डबल करके, उसके बाद ट्रेंड को फॉलो करिएगा ताकि आपका जो प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाए। तो एज अ एक्सपीरियंस ट्रेडर मैं तो कुछ ऐसा ही करने वाला हूं, ऑफकोर्स मैं ऑप्शन सेलिंग भी करता हूं, ऑप्शन बाइंग भी करता हूं, तो उस दिन ऑप्शन सेलिंग तो बिल्कुल नहीं करने वाला हूं, उससे पहले मौके मिल रहे हैं उसमें जरूर ऑप्शन सेलिंग ट्राई करेंगे। हाँ, स्टॉप लॉस जाते रहते हैं वो सभी को पता है, और बाइंग उस दिन ट्राई करेंगे बट 50% क्वांटिटी के साथ और स्टॉप लॉस को डबल करके। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हैं। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ तो जरूर शेयर भी करिएगा।